ये देखिए दिग्विजय सिंह जी जो हवन कर रहे हैं और ये जो महाआयोजन किया गया है वोटिंग के पहले, भोपाल में अभी वोटिंग होनी है, जरा इस पर दो लाइन तो बोलिए कि ये क्या है, क्योंकि आप लोग कहते थे पाखंड और धर्म सब बीजेपी करती है, अब आपका और उनमें कोई भेद तो दिखता नहीं। अंजना जी अगर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए, सुनिए तो सही, थोड़ा अंजना जी थोड़ा सा धैर्य अगर आप दिखाती तो आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल जाता। मैं किस तरह से जवाब दूं, इतनी तो स्वतंत्रता मुझे दीजिए। मैं ये जरूर कहूंगी कि हर चुनाव से पहले पाकिस्तान को याद करना, शमशान और कब्रिस्तान का नैरेटिव सेट करना, दिवाली रमजान की बात करना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं क्योंकि वो धर्म को अपनी विफलता की ढाल बनाते हैं। आप भोपाल पर आ जाते हैं, आप यहाँ की बात करना चाहती हैं ना, तो मुझे बताइए नर्मदानंद, हरिहरानंद, भैयू जी महाराज और योगेंद्र महंत याद आया आपको? कंप्यूटर बाबा के साथ साथ इन चार लोगों को भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान की, भाजपा की सरकार ने मंत्री पद दिया था। इसे कहते हैं राजनीति और धर्म का घालमेल। एक कुछ साधु संत एक व्यक्ति के लिए चुनाव में अपनी स्वेच्छा से अगर पूजा पाठ करते हैं उसे राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं कहते। आप बंगाल की बात करती हैं, बनारस में पुल गिरता है मोदी जी वहां आंसू बहाने नहीं जाते, लेकिन बंगाल में पुल गिरता है तो मोदी जी कहते हैं भगवान का संदेश है, सरकार गिरा दो नहीं तो बार बार पुल गिरेंगे। इसे कहते हैं धर्म और राजनीति का घालमेल। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी को तो फटकार लगी, सजा मिली, कभी हनुमान जी की जात बताते हैं, कभी अली बजरंग बली करते हैं, अभी दिवाली रमजान से उनका मन नहीं भरा तो होली और ईद तक पहुंच गए। इसे कहते हैं धर्म और राजनीति का घालमेल। रागिनी जी सवाल का जवाब नहीं मिला, लगातार जमीनी मुद्दों पर जब आप बात नहीं कर पाते तो धर्म की बात करते हैं। रागिनी जी सवाल का जवाब नहीं मिला इसीलिए मैं बीच में टोक कर आपसे पूछ रही थी। ये ऐसा नहीं कि साधु संत उनके लिए पूजा कर रहे हैं, ये एक बड़ा आयोजन है जिसमें साधु संत अलग तंत्र मंत्र कर रहे हैं चारों तरफ और दिग्विजय जी भी वहीं पर पूजा कर रहे हैं सपत्नी। ये समझाइए ना, ये मतलब ये तो लगता है एकदम बीजेपी पार्ट टू हो गया है मामला। मैं समझाती हूँ। देखिए जीवन एक मिनट, एक तो किसी भी धर्म की ठेकेदारी को किसी भी राजनीतिक दल के साथ जोड़ने का काम मत करिए। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि वीर सावरकर, जिन्हें ये वीर कहते हैं, 1921 में उन्होंने हिंदुत्व शब्द को बनाया था कि मैं एक कल्चरल पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा को ईजाद कर रहा हूँ। तो आप ये मत बोलिए कि हिंदुओं के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी है तो ये ए है और वो बी है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि जीवन के हर बड़े काम में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो वो पूजा पाठ करता है और हम जरूर करेंगे, दिग्विजय सिंह भी करेंगे, राहुल गांधी भी करेंगे, प्रियंका गांधी भी करेंगी, जिस जो रोक सकता है रोक के दिखाए। और आज सच में धर्म युद्ध है क्योंकि धर्म के साथ, हेमंत करकड़े के साथ भोपाल में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, दिग्विजय सिंह खड़े हैं। ठीक है, जवाब दीजिए जीवन साहब। ठीक है, जवाब दीजिए जीवन साहब। आतंकी दिग्विजय सिंह भी पूजा करेंगे, राहुल गांधी भी करेंगे, किसी एक पार्टी की धर्म पर ठेकेदारी नहीं। और ये वाकई अब धर्म युद्ध है हेमंत करकड़े के खिलाफ, जो बोला है साध्वी प्रज्ञा ने इसी भोपाल की धरती पर। जीवन साहब देखिए अंजना जी, जो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द चयन करने वाली कांग्रेस पार्टी और हाफिज साहेब कहने वाले दिग्विजय सिंह, ओसामा बिन लादेन जी कहने वाले दिग्विजय सिंह, जाकिर नायक के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने वाले दिग्विजय सिंह, आजमगढ़ में जहां आतंकवादी परिवार है उनसे भी मिलकर उनको सांत्वना देने की जो काम करने वाले दिग्विजय सिंह, आखिर में मजबूर होकर के आज अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। आज इस चुनाव के आड़ में हमने कई नेताओं को देखा जो पहले हिंदू शब्द को कहने से कतराते थे, उनको एक तरह से वो गाली लगता था, वो तुष्टीकरण की राजनीति से इतने प्रेरित हो गए थे, अंधे हो गए थे, वो हिंदू शब्द ही एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए हिंदू धर्म का जलील करने की प्रयास किया। आज हर कोई हिंदू बनने की प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप कम से कम माफी तो मांग लीजिए पहले। आपने जिन प्रयोग अभी रागिनी जी ने कहा किसी धर्म को आतंकवाद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, तो क्या ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है? तब आपने क्या कहा था, चिदंबरम एक गृह मंत्री होकर के, सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री होकर के पार्लियामेंट की पटल पर आपने क्या ये नहीं कहा था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद? आपको शर्म होनी चाहिए। ये 100 बिल्ली खा करके हज चले जाने वाली
वो जो कहावत है ये बिल्कुल दिग्विजय सिंह के लिए सही बैठती है। साधु संतों के साथ उनकी तस्वीर अच्छे नहीं लग रहे हैं। जाकिर नायक के इस्लामिक फाउंडेशन से कुछ लोगों को बुलाकर कोई इस प्रकार के कोई इवेंट करते समझ आती, क्योंकि आपकी असली चरित्र लोग जान चुके हैं। जब तक आप लोगों से माफी नहीं मांगेंगे, आप जब तक आपने जो जो साजिश किया प्रज्ञा जैसे व्यक्तियों के साथ, आपने उन सबको जो पाकिस्तान आतंकवाद को भी भगवा आतंकवाद के नाम पर आपने जलील करने के जो साहस किया था, उसके लिए पहले माफी मांगिए। केवल राहुल गांधी चुनावी हिंदू बनने से, शिव भक्त बनने से, ठीक है रागिनी जी, रागिनी जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर मैं मनोजीत मंडल और अजय आलोक के पास जाऊंगा। बस 30 सेकंड में देखिए, अब जीवीएल साहब से क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये तो अपने विरोधियों को औरंगजेब की औलाद बताते हैं। पूरे गुजरात के नैरेटिव में इन्होंने पोलराइज करने का एक ठेका अपने सर पे उठा रखा था, तो ये तो कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं। और ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तब बनाया जब वो हत्या के आरोप में बेल पर बाहर थे। तो आज प्रज्ञा ठाकुर भी आतंक फैलाने के आरोप में बाहर हैं जेल से, तो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। इनसे और किसी बेहतर काम की अपेक्षा की नहीं जाएगी। पर जीवीएल जी, अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो 56 इंच वाले को मांगनी चाहिए कि वो राम मंदिर नहीं बनवा पाए, कि वो गौरक्षा के लिए एक प्रदेश में भी कानून नहीं लेके आ पाए, कि वो धारा 370 हटा नहीं पाए, कि वो कुछ भी गंगा जी को जो 20,000 करोड़ का फ्लैगशिप प्रोग्राम था नमामि गंगे, उसमें 6,000 करोड़ से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। गंगा माँ की सौगंध खाकर काशी में आए थे, उसके बावजूद गंगा माँ के साथ भी धोखा करके अब वापस अपना झोला उठाकर, ठीक है जीवेल साहब जल्दी से जवाब देखिए, मुझे अपने मेहमानों के पास जाना है, जल्दी से। नहीं अंजना जी, हम भगवान राम के भक्त हैं, इस देश के हर हिंदू भगवान राम को मानते हैं, लेकिन आपने भगवान राम के लिए मंदिर ना बने इस प्रकार की साजिश आपने की। आपकी नेता आपके वकील जाकर के कोर्ट में कहते हैं मंदिर पर कोई फैसला ही ना हो, लूट सके आप, तो लूट। आप सरकार में नहीं, आपने विषय को उठाया तो सुनने की धैर्य तो रखिए, सुनने की धैर्य तो रखिए। आप कितने जनता को ना समझ मत समझिए, जनता आपकी छल को देख रही है, आपकी छल को देख रही है। जिस प्रकार हर चुनाव में कोई नया नाटक करना आपकी आदत बन गई, राजनीति में कभी सक्सेस नहीं मिलती है। आपकी असली चरित्र जनता जान चुकी है। मंदिर मंदिर ना बने, ये साजिश करने वाले आप हैं, भगवान राम थे नहीं, ये मिथ्या थी। इस प्रकार के बयान देने वाली पार्टी आपकी थी, इस प्रकार एफिडेविट देने वाली पार्टी आपकी थी। अब कहां से राम भक्त बन गए आप? 2 करोड़ चलने की भी कोई हद होती है? बेरोजगारी, हर रोज क्यों नहीं? आप भेदभाव करेंगे, आप तुष्टीकरण करेंगे, आप सेना को भी धर्म के आधार पर आप तोड़ना चाहेंगे, हम उठाएंगे ये मुद्दे। लोग भी समझ चुके हैं, हम बिल्कुल उठाएंगे। आप केवल धर्म को इसलिए आगे लाते हैं, तुष्टीकरण राजनीति करके, तुष्टीकरण राजनीति करके, आपके रिपोर्ट कार्ड में जनता ने बड़ा सा जीरो लिख दिया है। पूरे अपने चरित्र को बदलने में लगे हैं, आपके ऊपर दामन पर जो दाग लगी है, मोदी जी की नीतियों का कमी पर जो दाग है, जो थप्पड़ है, उसको निकालने के लिए भरपूर कोशिश।